मैं हूं मोइन गनी और नॉलेज प्लस टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे नॉलेज प्लस टीवी की एक खासियत है, हमारे नॉलेज प्लस टीवी के स्टूडियो में हर खास और आम का स्वागत है। यहाँ पर स्टूडियो में हमारे गेस्ट एक रिक्शे वाला भी होता है और एक मंत्री भी गेस्ट होता है और एक आला अफसर भी गेस्ट होता है। और इसी के साथ आज हमारे स्टूडियो में एक 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 नन्हा मेहमान, एक एक नन्हा सा गेस्ट हमारे साथ है जो कि बहुत जीनियस है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा तेज है। आपको हैरानी होगी, ये हम लोगों ने इस तरह का नन्हा जो है कह सकते हैं आप एटम बम ढूंढ कर निकाला है। मोहम्मद फरीश हमारे साथ है जो कि दूसरी क्लास के छात्र है। मोहम्मद फरीश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात। तो मोहम्मद फरीश पहले हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक फरीश साहब, ये तो साहब इनका इंट्रोडक्शन हो गया। कितने साल के हैं आप फरीश? ये 7 साल के हैं और दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं फरीश। और इनकी बहुत सारी खूबियां हैं हम आपको बताएंगे और आपको हम इनसे बात करेंगे उसके द्वारा ही आपको पता चल जाएगा। तो फरीश साहब ये बताइए पहले आप कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह फंक्शन करती है, पहले जो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है वो किस पे जाता है, फिर उसके बाद किस पे जाता है, किस तरह फंक्शन करती है? ये प्रोसीजर होता है ऑर्डर ऑर्डर देने का निकाल। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा दूसरी एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनका कौन कौन सा काम आपको पसंद है? जैसे गड्ढा मुक्त प्रदेश उनकी घोषणा है, गड्ढे भरे जा रहे हैं ठीक है सारे, और गुंडों का भी सफाया हो रहा है, ये सब अच्छे काम है? ये सब अच्छे काम है। अच्छा बोझ बंदी पे मीट बैन पे आपका क्या कहना है कि मीट बैन किया योगी जी ने, ये कैसा कदम? फरीश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मीट बैन किया है ये कैसा कदम है? बूढ़े जानवर उसे खाते थे लोग, बहुत ही अच्छा कदम। ये व्यूअर्स हमारे जान लें कि ये दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा मोहम्मद फरीश इस बात को जानता है कि बूढ़े जानवर लोग काट काट के खिलाते थे जिससे लोग बीमार पड़ते थे, और कुछ जानवर ऐसे थे जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। तो ये एक बच्चा होके ये जानता है मोहम्मद फरीश कि ये अच्छा कदम है। तो एक आम इंसान, एक बड़ा पढ़ा लिखा समझदार इंसान क्यों नहीं बात को समझ पाता, जरा सोचिए। अच्छा फरीश साहब एक सवाल और है आपसे कि जो नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं आने वाले टाइम, विधानसभा के तो हो गए, नगर पालिका चुनाव में एक चेयरमैन कैसा चेयरमैन होना चाहिए नगर का? अच्छा मोहम्मद फरीश ये बताओ आप विधानसभा चुनाव तो होते हैं, अब कौन से चुनाव आने वाले? अब जो चेयरमैन नगर पालिका चेयरमैन जो होता है वो उसके काम क्या होते हैं नगर? पहला काम तो ये है कि उसको बिजली की सुविधा अच्छी, पानी की सुविधा अच्छी, सड़क की सुविधा अच्छी। और मैंने अपने क्षेत्र पार्किंग की सुविधा नहीं है, और जो मैं आपसे अनुरोध
जंगल के चंदौसी में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, कि पार्किंग ना तो गवर्नमेंट नगर पालिका की कोई पार्किंग है, ना ही प्राइवेट कोई पार्किंग है। बाजार में जिसकी जैसी मर्जी जाती है उस तरह से बाइक या कार पार्क कर देता है, जिसकी वजह से जाम जो है आए दिन लगता रहता है। ये इस बच्चे के अंदर पता नहीं ये किस वरिष्ठ नागरिक की रूह है या कमाल की इंटेलिजेंसी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का फारिश, और ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। आपको हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई में दिल लगाएं या अपनी नॉलेज किस तरह बढ़ाएं? क्या बात है, हमने इनसे मैसेज देने को कहा तो उन्होंने बहुत ही प्यारा पर्यावरण के लिए एक मैसेज दिया कि आपका बर्थडे है तो अपने बर्थडे पे पेड़ जरूर लगाइए। बहुत प्यारा बच्चा है। और हमारी नॉलेज प्लस की मुहिम यही है कि हमारे नॉलेज प्लस टीवी के स्टूडियो से हर खास और आम आदमी जुड़े और अपनी बात रखे, एक रिक्शे वाले से लेके एक मंत्री और एक बच्चा, सभी का हमारे नॉलेज प्लस टीवी के स्टूडियो में स्वागत है। और ये चैनल हमारा नहीं, आम जनता चैनल है, आप लोगों का चैनल है। अब आज खास शख्सियत खास मुलाकात में बस इतना ही, अगली बार एक नई शख्सियत नए चेहरे से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आज खास मुलाकात खास शख्सियत में सिर्फ इतना ही, अगली बार आपको एक नई शख्सियत नए चेहरे से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मोई बनी नॉलेज प्लस।